दोस्तों, जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है पांच हत्यारे। ये आक्रोशी कॉमिक्स है, एक्शन एडवेंचर और तिलिस्मी कॉमिक्स होती है इनकी। तो पढ़ते हैं इसको। पांच हत्यारे। राक्षस ग्रह पर तूने अपने कदम कैसे टिका लिया आक्रोश? इस पर अब केवल हम पांच हत्यारों का अधिकार है। ओ तो इन बेजुबान राक्षस प्राणियों की हत्या भी तुम पांचों ने की है। हाँ, अब इस ग्रह पर एक हत्या और होगी तुम्हारी। हा। दोस्तों, अगर आपने आक्रोश की इससे पहले कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो पहले आप आक्रोश सीरीज कॉमिक्स पढ़ लेना। वो आपको फोल्डर में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आक्रोश नाम का फोल्डर है और उसकी पहली कॉमिक्स का नाम है आक्रोश। तो पहले आप उनको पढ़ लेना, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगी ये कॉमिक्स। तो पढ़ते हैं। पृथ्वी पर आक्रोश का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। आक्रोश जिंदाबाद, आक्रोश जिंदाबाद। यही लोग मुझे पगली कहते न थकते थे और अब कैसे आक्रोश जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। चांदनी लपक कर बाबा की गोद में जा चढ़ी और आक्रोश ऋषि जामवंत के चरणों में झुक गया। चरण स्पर्श बाबा, आयुष्मान बहु पुत्र, मेरी चांदनी मुझे सौंप कर आज तुमने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। आक्रोश, आपके आशीर्वाद से यह संभव हो सका। बाबा स्वयं महाराज भी आक्रोश से भेंट करने अब वहां आ पहुंचे। आक्रोश, आज घर घर केवल तुम्हारी चर्चा है। जीवन में कभी किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो निसंकोच कहना। अवश्य महाराज। महाराज, मैंने कभी महल नहीं देखा, क्या आप मुझे महल दिखाएंगे? क्यों नहीं, हम अपनी बिटिया को महल जरूर दिखाएंगे, तब तो हम आक्रोश को भी साथ ले चलेंगे। आक्रोश के आगमन पर चारों ओर खुशियां बिखर गई थी। फिर चांदनी के बाल लटके आगे आक्रोश को भी महाराज का निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। सन्ने से लबालब भरे इन पृथ्वीवासियों के हृदय। अचानक जैसे भूकंप सा आ गया। ओह, यह क्या आक्रोश! धम्म! चांदनी भूकंप भूकंप के झटके से दूर जागी थी और लुढ़क कर आती वह चट्टानों से कुछ ही दूर थी। चांदनी, धड़ाक! आक्रोश! आक्रोश चांदनी को बचा लेने में सफल रहा। दौड़ दौड़ दौड़! आक्रोश, तुझे कुछ नहीं होने देगा। चांदनी, किंतु राजा के रथ को टुकड़े टुकड़े हो जाने से वह न बचा सका। कड़ाक धड़ाक! निन, पर तब तक खतरा भाप कर राजा रथ से दूर हट चुके थे। ये कैसा झटका था आक्रोश! कुछ समझे नहीं आ रहा महाराज, किंतु मुझे किसी बारीक गड़बड़ का आभास अवश्य हो रहा है। तीव्र गड़गड़ाहट से आक्रोश तक कांप उठा। गुरुड़ गुरुड़ गुरुड़! मौत का साक्षात रूप सामने आ जाए तो किसकी होश न फाकता हो जाए। हे भगवान, ये तो नरक का कोई प्राणी लगता है। ओ, उस प्राण के पृथ्वी पर आकर गिरने से भूकंप पैदा हुआ होगा। आक्रोश, क्या ये हम सबको खा जाएगा? राजा विनय प्रताप से सभी सैनिकों की तलवारें बाहर आ गई। खत्म कर दो इसे, मारो मारो इस राक्षस प्राणी को। तभी उस राक्षस प्राणी ने अपना विशाल जबड़ा खोल दिया। घोड़े अपने सवारों को पटक कर भाग लिए। आह आह! राक्षस प्राणी ने देर न की और अपने नुकीले दांतों से उसने सैनिकों के शरीर फाड़ डाले। खच खच! आए! इधर आक्रोश ने सर्वप्रथम चांदनी को सुरक्षित किया। तो यही रहना चांदनी, यहां से हिलना नहीं। उधर राजा विनय प्रताप ने राक्षस प्राणी पर शक्तिशाली प्रहार किया। मेरी तलवार तुझे वापस नरक भेज देगी दुष्ट राक्षस प्राणी। गरुड़! राक्षस प्राणी ने अपनी पूंछ के प्रहार से सबको उछाल फेंका। भड़ाम! ओह उफ! राजा विनय प्रताप मौत के जबड़े से कुछ ही दूर थे। गरुड़ गरुड़! ओ नहीं, अब हमारी मृत्यु निश्चित है। आक्रोश से रहते महाराज, क्यों तूने निगाह टेढ़ी कैसे की दुष्ट प्राणी! बौखला कर राक्षस प्राणी आक्रोश पर झपट बैठा। बचो आक्रोश, चट्टा! आह! राक्षस प्राणी ने अपने जबड़े में फंसी चट्टान को भी तोड़ डाला। कड़ाक! राक्षस प्राणी को बुद्धि का इस्तेमाल करना भी आता था। धड़ाक! उफ! राक्षस प्राणी बहुत तेज है, मेरी ओर आ रहा है और ये भारी चट्टान संभालनी मुश्किल हो रही है। राजा विनय प्रताप ने उस राक्षस प्राणी को रोकने का की एक असंभव सी चेष्टा की। रथ का यह पहिया शायद राक्षस प्राणी का ध्यान भटका दे। रथ के पहिए की टक्कर का तो उसे पता ही नहीं चला।
जबकि अपनी भरपूर शक्ति एकत्रित करके आक्रोश ने उस चट्टान को उछाल फेंका। जय पंचगुरु। राक्षस प्राण के जबड़े भी आक्रोश को दबोचने के लिए खुलते चले गए। भयभीत तो होकर चीख पड़ी चांदनी, आक्रोश बच्चो आक्रोश। दूसरे पल खचौक, दुष्ट राक्षस प्राणी अब तेरा अंत निकट है। वह नुकीली चट्टान उसकी पूंछ का बीनती हुई जमीन में जा धसी थी। आक्रोश ने अविलंब अपनी उसी गर्दन धड़ से जुदा कर दी। खचौक। शुक्र है ईश्वर का कि तुम इसे समाप्त कर पाने में सफल हुए। हाँ, लेकिन मुझे दुख है कि हमारे दो सैनिक फिर भी इसका शिकार बन गए। आक्रोश आ जाओ चांदनी, अब कोई खतरा नहीं। आक्रोश से एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये राक्षस प्राणी हमारे राज्य में आया कहाँ से। और महाराज, मैं सोच रहा हूं कि अगर ये राक्षस प्राणी नगर में प्रवेश कर जाता तो क्या होता। नगर के विशाल सरोवर में कोई चीज एक तीव्र धमाके के साथ प्रवेश कर गई। छपाक, आह बचाओ। बाढ़ आ गई, गुल कड़ाक सर हिन हिन। कुछ ही देर बाद सरोवर के किनारे भीड़ जमा हो गई। मैंने आकाश से कोई विशाल आकृति सरोवर में गिरती देखी थी। इस विशाल आकृति के कारण ही सरोवर में प्रलय मची होगी। मैं फौरन इस घटना की सूचना महाराज तक पहुंचानी चाहिए। तभी एक बार फिर सरोवर में उथल पुथल मची। वो और एक आकृति सरोवर की सतह चीरकर बाहर कूद पड़ी। ओ सर, ओ भागो, यही है वो भयानक आकृति। दो व्यक्ति को जकड़ लिया उस विशाल राक्षस ने प्राणी ने। ओ बचाओ आई। एक ही क्षण में वह राक्षस प्राणी उन दोनों मानवों को गप कर गया। बचाओ बचाओ। ओ वह राक्षस प्राणी पुनः उछला। ओ तभी धड़। ओ राक्षस प्राणी क्रोधित उठा। ओ तड़ाक। उफ, गिरने के साथ ही आक्रोश ने भी अपनी तलवार खींच ली। एक और राक्षस प्राणी, जल्दी करो, इसे समाप्त करने में मैं आक्रोश की मदद करनी होगी। वह फुर्तीला तो निकला। वो आक्रोश वार करो, किंतु आक्रोश से अधिक नहीं। ओफ खच, पीड़ा से छटपटाकर राक्षस प्राणी ने आक्रोश को उछाल दिया। आक्रमण करो इस पर। इधर सैनिकों ने अपने वार किए और उधर राक्षस प्राणी ने आक्रोश पर जंप लगा दी। ओ सर, राक्षस राक्षस प्राणी की ओर इसी पल शीघ्रता के साथ पलट गया। खचाक। ओफ, राक्षस प्राणी ढेर होकर उल्टा पड़ गया। योद्धा की तरह तूने सीने पर जख्म खाया है। आक्रोश एक के बाद यह दूसरा राक्षस प्राणी, समझ में नहीं आ रहा कि यह भी कहां से आया। महाराज, ये प्राणी जरूर किसी राक्षस ग्रह से यहां आ रहे हैं। चौक पड़ा आक्रोश। राक्षस ग्रह। चांदनी ने अनजाने में ही उसे सोचने के लिए एक दिशा प्रदान कर दी थी। इतने विशाल प्राणी तो मैंने केवल उस ग्रह पर देखे थे। अगले दिन पूरे नगर में भयानक उत्पात मच गया। च्यों प्यों सुमी पमी। उफ, और राक्षस प्राणी आ गए। ये राक्षस प्राणी पूरे नगर को तबाह और बर्बाद कर देंगे। धड़ाक। ओह, अपने अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागो। सूचना प्राप्त होती है अपने विद्युत पर सवार आक्रोश वहां आ पहुंचा। वो दत्त प्राणी, इन्हें रोका न गया तो ये पूरे नगर को तहस नहस कर डालेंगे। तस्तरी आक्रोश के हाथों में दिखाई पड़ने लगी। सर खच खच, आ चुमी चुमी। इधर से सैनिक भी जाल लेकर पहुंचे और फेंको जाल चुमी। सैकड़ों जहरीले तीर व भाले से श्री नर्क पहुंचा देंगे। मानव जाति के विनाश को रोकने के लिए बेजमान दत्त जीवों को मारने पर विवश हैं हम। इस राक्षस प्राणी की ओर बढ़ते हुए आक्रोश के कदम ठिठक गए। ये दोनों राक्षस प्राणी क्रोधित मुद्रा में एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। धड़ाक। ये दोनों एक दूसरे को परास्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। दोनों भयंकर प्राणियों का युद्ध देखने में आक्रोश को इतना तल्लीन नहीं होना चाहिए था। पम्बी पपी। आह, स्वामी को संकट में देखकर विद्युत के नेत्रों से विद्युत छुटी। तिड़कड़ाक।
राक्षस प्राणी बुरी तरह तड़पा, मम्मी ओ वार करने की अद्भुत क्षमता दिखाई है विद्युत ने। शाबाश विद्युत, आज तुम्हारे कारण आक्रोश से प्राण बच सके। इन वे दोनों राक्षस प्राणी भी लड़ते हुए शहीद हो गए, ये दोनों भी गए। आक्रोश ने उनमें से एक राक्षस प्राणी का सिर काट लिया। श्रीगरी, आक्रोश साहु, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा, पूरे नगर पर गंभीर संकट छाया है, न जाने कब कोई और राक्षस प्राणी नगर पर धावा बोल दे। नगर ने आक्रोश, पूरी पृथ्वी पर संकट मंडरा रहा है, आओ मेरे साथ। ऋषि जामवत आक्रोश को लेकर तिलिस्मी स्मरण चलचित्र यंत्र तिश्चय के सम्मुख पहुंचे। तिश्चय, दिखाओ कि ये राक्षस प्राणी पृथ्वी पर कहां से और क्यों आ रहे हैं। राक्षस ग्रह के बारे में जानने के लिए पढ़े आक्रोश सीरीज का आक्रोश और अंबर। ये कॉमिक्स आपको प्लेलिस्ट में आक्रोश के फोल्डर में मिल जाएगी। जहां बज बजाने तबाही मचा रखी थी, बज बजा का वार इसकी सारी अड्डिया चटका देगा। वो बुजू धड़ोम त्याओ याओ, हा, बज बजा का विजित गणास्त्र जिंदाबाद। तभी एक लात पड़ी उसकी कमर पर, हा, मगर बज बजा मुर्दाबाद। आह, तू कौन है? तूने बज बजा को लात क्यों मारी? सबसे पहले मैं तेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर देता हूं। मुझे डीट कहते हैं, अपने ग्रह जाकर पर मैं सबसे बड़ा हत्यारा के नाम से प्रसिद्ध हूं। मौत के दंड से भागकर सिर छुपाने के लिए मैंने इस राक्षस ग्रह को चुना है। अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी जल्दी दे। मैंने तुझे लात इस ग्रह से उखाड़ फेंकने के लिए मारी है बज बजा, क्योंकि अब इस ग्रह पर मेरा अधिकार होगा। सुनकर बज बजा हंसने लगा, तेरा अधिकार, हा, मेरे गणास्त्र से छुटे अग्नि गोल की मार जब चखेगा तो तुझ पर केवल यमराज का अधिकार होगा। बुझू गणास्त्र से छुटा अग्नि गोल सीधा डेट की छाती से अटक रहा है। बड़ोम, हा, कहाँ यमराज, हा, इस पर तो अग्नि गोल का असर ही नहीं हुआ। बज बजा ने इस बार उसके सिर का निशाना लिया, इसका सिर अग्नि गोल का झटका नहीं सह पाएगा। बुझू अग्नि गोल सिर की तरफ न जाकर पुनः डेट की छाती से अटकराया। बड़ोम, हा, आए इस बार बज बजा तुझ पर अग्नि गोल नहीं बरसाएगा। बज बजा के पाँव में दुश्मनों का रक्त चूस लेने की भी शक्ति है, यह तो मेरा खून ही पीने लगा। डेट की टक्कर तेरी सारी दवा चौकड़ी बुला देगी बेटे। अब तुम मुझसे दोबारा मत पूछना कि मैंने तुझे लात क्यों मारी। तभी डेट की पीठ पर भी एक तीर ठोकर पड़ी। गरुड़, डेट की पीठ पर वार किसने किया? राक्षस प्राणी डेट पर झपटा। गरुड़, ये तो बड़ा भयंकर और भारी भरकम है। तभी बज बजाने अग्नि गोल दाग दिया। ब्रोम ब्रोम टिया, तूने मुझे इस भयंकर राक्षस प्राणी से क्यों बचाया? अगर मैं ऐसा न करता तो हमारी लड़ाई अधूरी छूट जाती। क्या हम लड़ाई लड़ाई माफ नहीं कर सकते? देख भाई, शक्ति में हम दोनों किसी से कम नहीं, हम दोनों का इस ग्रह पर अधिकार रहेगा। बोल क्या कहता बजबजा? ठीक, हम लड़ाई लड़ाई माफ करते हैं, आज से हम दोनों इस ग्रह के राजा। वाह! तभी स्टॉक स्टॉक, ओह कहाँ के राजा हो तुम दोनों, जरा एक बार फिर तो कहना। बज बजा ने अपना गणास्त्र ऊंचा किया, तुझसे बात करेगा अग्नि बोल। बज बजा के हाथ को एक तेज झटका लगा और श्रॉट, अरे डेट ने फुर्ती दिखानी चाहिए मगर श्रॉक श्रॉक, आई हा, थोबड़ा का नाम चक जहां पड़ जाता है वहीं से सुझा देता है। श्रॉक श्रॉक, अचानक उछलकर डेट सिर के बिल जमीन में एक धस गया और धड़ाक, आह ये हड्डी अब तेरा थोबड़ा सुझा देगी। थोबड़ा टनाक, ई बज बजा ने अवसर देख अपना पांव थोबड़ा के जांघ पर चिपका दिया। आह, मर गया, अब तेरा थोबड़ा रक्त के बिना जरूर पिचक जाएगा। ई हा, अपुन थोबड़ा लोक भी अपने लोक का खूंखार हत्यारा है, अब शायद अपुन क्या तो तुम दोनों की हत्या होनी है। बज बजा उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी ठहरो बज बजा, हम थोबड़ा से वर्ती में लड़ रहे हैं,
थोड़ा मैं भी तेरा बज बजा भी, अगर तुम चाहो तो आज से तुम हमारे तीसरे साथी बन सकते हो। ठीक है, जब मुझे यहाँ रहना ही है तो तुम्हारा साथी बनकर रहने में मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है। वाह, तब मिला वाह, इसी पल तीनों की कलाई को एक मजबूत पंजे ने जकड़ लिया तो और उछाल फेंका दूर। अरे आह, यह किसकी हरकत है, मैं उसे सजा दूंगा। ठोक, आह, और सामने था, तुम में से कौन धोखा को सुलझाने की हिम्मत रखता है, यही मुझे देखना है। धोखा, धोखा, बज बजाने धोखा पर अग्निगोल दाग दिया। पड़ाक, हा, डीठ ने धोखा पर वार किया। हा, थोबड़ा आई स्टॉक। हा, उधर क्या देख रहे हो मूर्खो, तुम जिस पर वार कर रहे हो वह आईने में दिखता मेरा प्रतिरूप है। दुश्मन को धोखा देने के लिए मैं हवा के अणुओं को जोड़कर आईने में अपना प्रतिरूप दिखाता हूं। धोखा, हम तुम्हारी ताकत को मान गए, हम तीनों भी खूंखार रहते रहे, बोलो हमारे चौथे साथी बनोगे। साथी बनने में मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं तड़ीपा रहते रहा हूं। हा। तभी राक्षस ग्रह की धरती पर एक अजीबोगरीब शोर से गूंजने लगी। रुन रुन, यह कैसा शोर गूंज रहा है, आओ देखते हैं। अरे यह क्या, अब इस राक्षस ग्रह पर कौन उतर रहा है। हा, बूचड़ जहां भी जाता है उस जगह पर बूचड़ खाना बना देता है। बट 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 बट, बचो बचो, घबराओ नहीं, रुके रहो, गोमता के नीचे अनिगार्थ भी मोती होगा। गोमता आग बरसाता हुआ तीव्रगति के साथ उनकी ओर बढ़ा। बट बट, ओह, सभी वार डीठ अपनी छाती पर झेल रहा है। धोखा ने धोखे से बूचड़ पर वार कर दिया। थड़, ओह, मगर ये तो सामने खड़ा है, आ फिर मुझ पर वार कैसे कर रहा है। वह जो सामने खड़ा है मेरा धोखा है, मैं असली धोखा हूं। बूचड़, तुम चाहो तो हमारे पांचवें साथी बन जाओ। पांचवा साथी, हम पांच हत्यारे अपनी शक्तियों के बूते पर पूरे ब्रह्मांड को हिला देंगे। ये बात है, मैं अपने लोक से तिरस्कृत करके निकाला गया पुराना पापी हूं, मुझे तुम्हारा साथी बनने में कोई ऐतराज नहीं। लेकिन राक्षस ग्रह पर उन पांचों हत्यारे भी राह का सबसे बड़ा काटा थे, वे राक्षस जीव। राक्षस जीव हमें घेर रहे हैं, बुल बुल, बुचल बुचल, ये सब अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। बट बट, बुचल बुचल, शक्तिशाली थोपड़ा ने उठाकर फेंक दिया इस राक्षस प्राणी को, चलो इस ग्रह से बाहर। बज बजाने कहर मचा दिया। बड़ौम, थोपड़ा के शक्तिशाली प्रहारों ने राक्षस प्राणी को ग्रह की धरती से ही उछाल फेंका। डीठ ने घोषणा की, राक्षस ग्रह को उन पर भयानक प्राणियों से खाली करना होगा। इसके लिए या तो राक्षस प्राणी को मारना पड़ेगा या उन्हें ग्रह से बाहर धकेलना पड़ेगा। तिस्से की ओर देखता बुदबुदा उठा आक्रोश, ओ तो ये रहस्य है पृथ्वी पर इन इन राक्षस प्राणियों के आगमन का। आक्रोश, ये पांच हत्यारे संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए खतरा बनने वाले हैं और सब एक से बढ़कर एक योद्धा हैं। बाबा राक्षस ग्रह पर बेजुबान राक्षस प्राणियों के तयों का भी जो सिलसिला उन हत्यारों ने शुरू किया है वो मुझे खत्म करना पड़ेगा, और उन पांच हत्यारों के इरादों पर खाक उड़ानी होगी मुझे, क्योंकि वे पांचों पृथ्वी के लिए भी खतरा बने हुए हैं। मुझे आज्ञा दीजिए बाबा, जाओ पुत्र आक्रोश, कार्य सिद्ध करके लौटो। पांच हत्यारों से आक्रोश की खूनी मुठभेड़ का अगला भाग है आक्रोश की आग। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका सेकंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में आक्रोश के फोल्डर के अंदर। तो मिलते हैं कल इसके सेकंड पार्ट में। और अब आक्रोश को कूच करना था राक्षस ग्रह की ओर, उन पांच हत्यारों का आतंक समाप्त करने के लिए। ये इसके सेकंड पार्ट का एड दे रखे हैं यहाँ पे। पांच हत्यारों, राक्षस ग्रह के बेजवान प्राणियों पर कहर डालकर तुमने आक्रोश की आग को भड़का दिया है। अभी आग तुम्हें झुलसा डालेगी। आक्रोश, तेरी आग तो हम तक बाद में पहुंचेगी, ले संभाल अग्निगोल। तो दोस्तों, कल मिलते हैं सेकंड पार्ट में आक्रोशी आग में। इससे पहले इसके
चार पार्ट और आ चुके हैं, आक्रोश, आक्रोश और अंबर, द दगुटा आक्रोश और खून युद्ध।